श्रद्धा शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन ध्रुव सर मेरे थे और ध्रुव सर पर हकीकत तो यह है ना कि उनकी शादी मुझसे उनकी शादी मुझसे शादी भले तुमसे हो गई हो पर आज भी वो मुझसे प्यार आज भी वो मुझसे प्यार आज भी प्यार भले वो तुमसे करता पर वो मेरे पति हैं। पति सिर्फ इस रिश्ते के लिए है श्रद्धा पर उनका दिल मेरे पर्सन कोई बात नहीं मैं उनकी पत्नी तो बनी हूँ उनकी पत्नी तो बनी हूँ उनके दिल की रानी भी उनके दिल की लेट्स सी लेट्स सी हेलो एंड वेलकम टू टेली मसाला और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ है हमारी और आपकी प्यारी थपकी और श्रद्धा जिसका थोड़ा बहुत तो ग्लिम्स आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका टेली मसाला में। थैंक यू सो मच। एंड हम लोगों ने देखा कि ऑन स्क्रीन तो आप दोनों बड़ी लड़ती हैं ऑफ स्क्रीन में बड़ी अच्छी दोस्ती है क्या कहेंगे इस पे आप जो भी हो बट ऑफ स्क्रीन में यही कहूंगी आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ और मैं बहुत खुश हूँ थपकी प्यार की इन्होंने ज्वाइन किया एंड आई फाउंड हर शी इज एन अमेजिंग गर्ल अमेजिंग मतलब सो प्योर हार्टेड और बहुत ही प्योर सोल। हम अगर लड़ते हैं तो एज अ कैरेक्टर लड़ते हैं ये थपकी बनके और मैं श्रद्धा बनके पर रियल लाइफ में जिज्ञासा मोनिका एंड आई वेरी एंड पर्दे के पीछे की कहानी आप लोगों को देखनी चाहिए हम लोग कितना हंसते हैं। अच्छा पर्दे के पीछे की कहानी की बात आई हो तो हम आपसे यानी कि मोनिका से जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो कि थपकी यानी कि जिज्ञासा ने आपसे कोई शेयर किया हो और आप उसे कैमरे पे रिवील करना चाहते हैं। ये एक्चुअली बहुत फनी है ये एक्चुअली वेजिटेरियन थी जो अभी नॉन वेजिटेरियन टर्न हो गई हैं पर ये इनका एक हमेशा से डायलॉग रहता है मैं ना एक्चुअली ये खाती नहीं हूँ लेकिन क्या है ना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन और वही चीज़ वो खाते खाते बोलती हैं अगर उनको खिचड़ी पसंद नहीं है तो वो खिचड़ी खाते मैंने ज़्यादा एक्चुअली खाती नहीं हूँ मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो खिचड़ी खाती रहती है तो मुझे बहुत फनी लगता है बहुत क्यूट भी लगता है कि उसको अच्छा भी लग रहा है लेकिन समवेश इसे नहीं मुझे ना अच्छा नहीं लगता ये जैसे प्रॉन्स है ना मुझे अच्छे नहीं लगते अच्छा प्रॉन्स दिखाना तो ऐसे तो उसका ये है ऐसे बोलेगी नहीं है नहीं और वापस जाके बोली अरे वो फ्रांस चखाना तो कच्चे इनका ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। जिज्ञासा आप क्या कहेंगे इस पे व्हाट अबाउट मोनिका कोई ऐसी बात जो आप कैमरे पे शेयर करना चाहो जो उन्होंने आपसे शेयर किया हो ऐसी कोई बात नहीं है बिकॉज शी इज एन ओपन बुक ये बहुत ही यू नो ऐसे कुछ छुपाती नहीं है जो भी बाहर है वही अंदर है इनके बट हाँ ये कहूँगी मैं कि मोंजो जितना भी स्माइल कर ले आई कॉल हर मोंजो हर नेम इज मोनिका और ये जितना भी हंस ले बट इनसाइड आई नो कि देर इज समथिंग यू नो बॉदरिंग हर या कुछ और मैं आके इनसे बोल देती हूँ कि आप कितना भी स्माइल कर लो बट आई नो दैट समथिंग इज बॉदरिंग यू एंड यू आर अपसेट टुडे इट्स यू इट्स यू और यही होता है कि ऐसा ट्रू होता है आई थिंक कोई ऐसी आदत जिससे वो दूर नहीं रह सकती हो जबकि हाँ जिससे दूर मिरर वो तो हर एक्टर्स का है आई थिंक मिरर और उसका JBL का स्पीकर मतलब वो आके शायद फेस वॉश करे या ना करे पहले उसका JBL का स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि जिज्ञासा इज हियर बिकॉज़ शी प्लेस सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आई कैन इवन टेल यू जो शायद बहुत जमाने पुराने वाले होंगे वो भी वो प्ले करती है और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सूदिंग लगता है। जिज्ञासा आप कोई ऐसी बात कोई ऐसी चीज जिसकी आदि हो मोनिका सफाई जब भी मैं इनके मेकअप रूम में गई हूँ आई वॉज अमेज टू सी लाइट्स लगी हैं एंड वॉल पेपर्स एंड बटरफ्लाइज लगी हुई हैं एंड यू नो हर रूम इज सो नीट एंड क्लीन सो वेल सेटल्ड और पूरी ऐसी फ्रेगनेंस होती है पूरी रूम में इट्स अमेजिंग। कोई ऐसा वर्ड जो कि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ और एक और करती है नहीं वो नहीं वो तो मैंने सीखा है वो सीखा है ये एक और करती है अंकित ध्रुव सर यू जस्ट मस्ट सी दिस इंटरव्यू इट्स फॉर यू वो ये बहुत करती है और ऐसे भी करती है। व्हाट अबाउट यू मोनिका कोई ऐसी आदत जो बार-बार रिपीट करती है आजकल मोनिका और मैं जब भी यू नो आई कॉन्टैक्ट होता है हमारा सेट पे या कहीं भी हम दोनों एक दूसरे को यही करते हैं चस 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 ऐसे कोई भी हम टेक दे के आएंगे शॉट दे के आएंगे चस चस मतलब जस्ट मींस यस 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 एंड भी हम लोग ये सबसे ज्यादा वर्ड यूज करते हैं वो है माँ कसम
I know. Yeah. Yes. Can you imitate each other? Okay. You start. I have to think. Okay. imitate. Okay. Yeah, आई थिंक उसका ये सिग्नेचर है माँ कसम, तो हर चीज़ में यही बोलती है कि अरे माँ कसम क्या सब्जी लाई थी तू आज, मतलब मेरी खा के तो माँ कसम हालत ही ख़राब हो गई, इतनी टेस्टी लगी, अचार खाना है क्या, मैं अचार लाई हूँ, और ये मेरे रोज़ बीट रूट लाती हैं खाने के लिए, अचार लाती हैं. पप्पी का ऐसा कुछ इमिटेट तो नहीं कर सकती, बट शी इज़ वेरी केयरिंग एज, मतलब अगर किसी का खाने का मन भी नहीं करेगा ना, तो वो रोटी तोड़ तोड़ के फिर थपकी चुका ऐसा करके ये हमको खाना खिला देती है. और Somebody's calling me, one second. Okay. और सेट पे तो एज सच कुछ नहीं, सेट पे तो जब भी सर बहुत गुस्से में होते हैं और उसको पता है कि जैसे किसी ने क्वेश्चन किया और सर बहुत बुरे मूड में है और सर ने बोल दिया, डांट दिया, तो यस सर यस सर यस सर ऐसा करके चली जाएगी. उसको कुछ समझ आया या नहीं, हाँ सर चल गई. उसका ऐसा कुछ नहीं रहता है, सो इतना ही इमिटेट कर सकते हैं. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोनिका? मोनिका का मीनिंग होता है MON मीन्स मौन, मीन्स अलोन, मतलब चुपचाप, एकदम शांत स्वभाव की लड़की हमारी. हाँ, व्हिच इज ट्रू. ये मतलब कि मैंने आपने जिस तरह कैमरे पे देखा वो कान पे बता चुकी थी. एंड कुछ और बात कर रहे थे, आई थिंक वी हैव, मैं बता रही थी कि नेक्स्ट सीन में. हां, नेक्स्ट सीन. ऑलराइट ऑलराइट. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जिज्ञासा? जिज्ञासा मींस क्यूरियोसिटी. सीरियसली सब रिकॉर्ड हो, मतलब मैं और भी वर्ड. वी आर सो बैड एट चीटिंग, तभी हमारे अच्छे नंबर आते हैं, हम चीटिंग नहीं करते थे. अच्छा, मोनिका का फेवरेट कलर जिज्ञासा. मुझे याद आया, मैंने एक बार येलो पहना था एंड इट्स हर फेवरेट कलर. या या ऑलराइट. जिज्ञासा की फेवरेट मूवी? आई हेट स्टोरी 3. ये मेरी टांग खींच रही है. आई हेट दैट मूवी, मतलब इतनी गंदी मूवी लगी मुझे वो. माय फेवरेट मूवी, मैंने वो एक्चुअली कभी इससे पूछा नहीं, और इसने भी बहुत सारी मूवीज बताई हैं. बहुत सारी मूवीज हैं जो यू नो डीडीएलजी एंड डीडीएलजी एंड हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, हम्प्टी शर्मा, ये सब. या ऑलराइट. फेवरेट एक्टर मोनिका का? कभी बात की नहीं हम लोगों ने. हां, ये ऐसी गहराइयों वाली बात नहीं है. इनकी फेवरेट एक्टर हैं, इफ आई से एक्टिंग वाइज एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, इनको काफी मैंने इसको हमेशा गुनगुनाते हुए देखा है मोस्टली, और जब ये पढ़ती है तो शायद मैं अनफॉर्चुनेटली उसके आसपास नहीं रहती हूँ. नैन्सी ड्रू पढ़ती हूँ और चेतन भगत. इसी के साथ जाते जाते सारे फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहेंगे, जो कि ऑफ स्क्रीन आप दोनों की केमिस्ट्री को नहीं पसंद कर पा रहे थे, एंड दे वर लाइक कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है तो आप एक सेगमेंट लेकर आओ, तो क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा थैंक यू कहना चाहेंगे सारे व्यूअर्स को जिन्होंने इस सेगमेंट की डिमांड की, एंड वी आर एबल टू यू नो इस सेगमेंट के थ्रू वी आर एबल टू नो ईच अदर मोर, तो दैट्स सो बेनिफिशियल फॉर अस टू. और बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको यू नो हम लोग ऑफ स्क्रीन इतने पसंद आते हैं, ये बॉन्ड अच्छा लगता है. आप सिर्फ एक फोटो देख के आप लोग सेगमेंट की डिमांड करते हैं. या अगर हम लोग के कैरेक्टर लाइक होंगे तो हम लोग का और अच्छा अच्छा चीजें और एंटरटेनमेंट लिखकर के आएगा, एंड ऑफ स्क्रीन तो हम आपको पिक्चर्स अपलोड करके बताते रहेंगे कि हम लोगों का बॉन्डिंग कितना आगे जा चुका है. सो कीप वॉचिंग थपकी एंड कीप ऑन कलर्स एट 7 एंड प्लीज कीप लविंग अस.